हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, ये है पीओपी बनने से पहले या पीओपी अगर आप बना रहे हो तो उसके पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज पीओपी एक जो डिज़ाइन होती है, आप इतना खर्चा करते हो तो पीओपी बना रहे हो तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइट का। अगर अच्छी लाइट अगर आप वहाँ पे लगाओगे तो आपकी पीओपी की जो डिज़ाइन है उसको और चार चांद लग जाएगा इस। तो पीओपी बनाने से पहले जो जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपके लिए कुछ पांच पॉइंट लेके आया हूँ, जो पांचों पॉइंट मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसमें से तीन पॉइंट मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा और दो पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में सारे पॉइंट डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेरी दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो में जो हमारे पहले तीन पॉइंट है मैं आपके साथ क्लियर करूंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको पीओपी बनने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि एक पीओपी अगर आप बना रहे हो घर में, कोऑर्डिनेशन अगर आपका प्रॉपर रहा पीओपी वाले के साथ और इलेक्ट्रिशियन के साथ, तो एक कोऑर्डिनेशन जो वर्क होता है अगर आप प्रॉपरली उनके साथ करोगे, प्रॉपरली उनके साथ प्लान करोगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज एक ब्लेम गेम हो जाएगा कि इलेक्ट्रिशियन ने ये नहीं किया, इलेक्ट्रिशियन बोलेगा पीओपी वाले ने ये नहीं किया और नुकसान आपका होगा। तो अगर आप कोऑर्डिनेट करोगे प्रॉपर वे से तो सारी चीज़ें अपने आप प्रॉपर हो जाएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, वीडियो को एंड तक देखें, जरा भी स्किप मत कीजिए, काफ़ी डिटेलिंग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए प्रोडक्ट की मैं काफ़ी डिटेलिंग में इन्फॉर्मेशन देता हूं अपने वीडियो पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए तो सारे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो गाइस, अगर आप पीओपी बना रहे हो अपने घर, ऑफिस, शोरूम्स में कहीं पे भी, या रिनोवेशन कर रहे हो, पीओपी का प्लान है, लाइट का प्लान है, तो कुछ बातों का पूरा ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको आज फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आप पीओपी की डिज़ाइन सिलेक्ट कर रहे हो अपने कहीं पे भी यूज़ करने के लिए, घर, ऑफिस, शोरूम, बेडरूम, कहीं पे भी, तो उसके साथ साथ मेरा एक कहना है कि उसके साथ साथ आप लाइट के पॉइंट भी सिलेक्ट कीजिए कि आपको लाइट कौन से एरिया में कितनी चाहिए। पीओपी की डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वो जो आपको इमेज आपको जो दिखाई गई पीओपी वाले, उसके अंदर भी काफ़ी लाइट्स के पॉइंट दिए गए हैं, बट वो पॉइंट जो होते हैं वो एक डिज़ाइन के हिसाब से दिए होते हैं। आप अपने यूज़ के हिसाब से उसमें देखिए कि आपको कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर पॉइंट भी आप पीओपी के साथ ही डिसाइड करोगे तो काफ़ी बेटर होता है, इलेक्ट्रिशियन को समझाना और पीओपी वाले को समझाना कि आपको कहाँ पे कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर लाइट आप प्लान कर सकते हो आपके हॉल, बेडरूम, शोरूम्स, ऑफिस, कहीं पे भी। तो पहले आप प्लान कर लीजिए कि आपको कितनी लाइट कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उस तरह से पॉइंट की भी डिस्कशन पीओपी जब सिलेक्ट होती है तभी कर लीजिए, बाद में मत रखिए। नहीं तो आपको जहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है कहीं कहीं पे वहाँ पे पीओपी की डिज़ाइंस आ जाती है, कहाँ पे आपने फ्लावर्स डिज़ाइन किए, कुछ भी आपने डिज़ाइन किए, तो फिर वहाँ पे पॉइंट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले सिलेक्ट कीजिए कि आपको लाइट कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पे आपको लाइट रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे पॉइंट ज़रूर निकाल लीजिए कि बाद में आपको दिक्कत ना हो, बाद में पीओपी बनने के बाद आपको कुछ अंदर अलग से चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारा पॉइंट नंबर वन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग ये नहीं करते हैं तो बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अरे यार, यहाँ पे मुझे लाइट चाहिए थी बट अभी यहाँ पे ये आ गया है तो और कैसे लाइट निकाल सके। तो पॉसिबल तो है बट अगेन आपको खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा अगेन पीओपी को तोड़ के वापस बनाना पड़ेगा, तो वो चीज़ों में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और काफ़ी एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। तो दूसरा पॉइंट है वो है कौन सी लाइट यूज़ करना। जैसे मार्केट में काफ़ी तरह की लाइट्स अवेलेबल हैं जो बहुत अलग अलग डिज़ाइन शेप्स में अवेलेबल हैं, तो आप जब पॉइंट निकाल रहे हो तो पॉइंट के साथ साथ कौन सी लाइट आपको यूज़ करनी है उसका भी आप डिसाइड कीजिए। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके आजू बाजू देख सकते हो, पीओपी में भी आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगी, जो पीओपी की आपको डिज़ाइन दिखाएगी उसके अंदर भी ऑप्शंस रहते हैं। पैनल लाइट यूज़ कर सकते हो, पैनल लाइट की कौन सी साइज़ यूज़ करनी है, छोटा लिविंग रूम है, बड़ा लिविंग रूम है, कितने साइज़ की आपको यूज़ करनी है, ऑफिस है या आपका बेडरूम है, तो वो साइज़ डिसाइड कीजिए। तो वो साइज़ की जहाँ पे आपने पॉइंट निकाला है वो साइज़ वहाँ पे बैठेगी, कोई डिज़ाइन तो वहाँ पे नहीं आ रही है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए।
पैनल लाइट जैसे लगा सकते हो, सीओबी लाइट सर लगा सकते हो। सीओबी लाइट में भी अलग अलग साइजेस आती है। सीओबी लगा रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है उसकी लाइट, पैनल लाइट के कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है। तो पैनल अगर नहीं लगा रहे हो, सीओबी लगा रहे हो, तो उसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद डाउन लाइट लगा सकते हो। डाउन लाइट्स में अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो डाउन लाइट यूज़ करते हैं। तो डाउन लाइट में भी आपको कितनी डाउन लाइट लगानी है, तो डाउन लाइट लगा रहे हो तो आपको अंदर जो पीओपी के अंदर जो डेप्थ होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो लाइट सिलेक्ट कीजिए तो उस हिसाब से पीओपी की जो हाइट है वो भी मैनेज हो जाएगी। तो आप उस तरह से सिलेक्ट करते हैं। जैसे उसके बाद आज की तारीख में प्रोफाइल लाइट का काफ़ी वर्क होता है। अगर आप प्रोफाइल लाइट अपने घर में लगा रहे हो तो देखिए, जहाँ पे प्रोफाइल लाइट लगा रहे हो वहाँ पे पीओपी की कोई भी डिज़ाइन नहीं आनी चाहिए। अगर उसके ऊपर प्रोफाइल लगाओगे कहीं कोई भी डिज़ाइन के ऊपर तो काफ़ी ऑड लगेगी। तो अगर प्रोफाइल लाइट भी लगा रहे हो तो उस तरह से आप डिज़ाइन पहले से ही सिलेक्ट कीजिए आपको क्या करना है पीओपी में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए लाइट लगाना और आपकी चॉइस की लाइट लगाना, नहीं तो अदरवाइज काफ़ी दिक्कत हो सकती है आपको बाद में। आप बोलोगे मुझे यहाँ पे लाइट लगानी थी, आपने ये पॉइंट नहीं निकाला, जबकि उनकी गलती नहीं है। आप पहले से अगर उनके साथ कोऑर्डिनेट प्रॉपर करोगे तो आपको प्रॉपर आपकी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखिए, पहले तो पॉइंट कहाँ निकालना है और उसके बाद कौन सी लाइट आपको सिलेक्ट करनी है। ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिलेक्ट करोगे तो काफ़ी आपका काम कम हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से आपकी लाइट और आपकी पीओपी दिखेगी। उसके बाद गाइस जो हमारा थर्ड पॉइंट है, फैन का, जैसे कि सबको पता है, आपको पीओपी वाले पूछेंगे कि आपको कहाँ पे फ़ैन लगाने हैं, कितने फ़ैन लगाने हैं। जनरली अगर बेसिक हॉल होता है जैसे कि 1 BHK के रूम्स होते हैं तो वहाँ पे एरिए के हिसाब से एक फ़ैन या दो फ़ैन यूज़ करने होते हैं। ज़्यादा बड़ा लिविंग रूम है या ज़्यादा बड़ा बेडरूम है तो उस हिसाब से फ़ैन का अरेंजमेंट करना होता है। फैंसी फ़ैन आप लगा रहे हो तो उस हिसाब से उसमें हुक लगाना पड़ता है। बट सिर्फ आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको फ़ैन की कितनी रिक्वायरमेंट है, दो फ़ैन की रिक्वायरमेंट है, एक फ़ैन की रिक्वायरमेंट है। कहीं कहीं पर मेरे कस्टमर्स को ये भी प्रॉब्लम हुआ है कि उनको फ़ैन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम AC यूज़ करते हैं। उनको शैंडिलर के पॉइंट दो चाहिए थे और फ़ैन का पॉइंट एक चाहिए था, बट उन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो एज यूजुअल जो पीओपी वाला था उन्होंने दो फैन के पॉइंट रखे और शैंडिलर का पॉइंट एक ही रखा। तो इसके लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है। शैंडिलर लगा रहे हो तो उसके लिए भी अलग से एक प्रोसीजर है जो मैं आपको अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो गाइस फैन के लिए भी आप पहले से उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। कॉमन थिंग है कि फ़ैन लगते हैं, कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, कितने लगने चाहिए, कॉमन बात है। बट एक बार डिस्कस कर लोगे तो वो बेटर होता है, क्लियर होता है, तो बाद में से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो तीन पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ की आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो बेसिक लाइट है जो आपको घर में रिक्वायरमेंट है वो तो आपकी क्लियर होगी। इवन आप कोई फैंसी लाइट लगा रहे हो तो वो भी आप पहले से बता दोगे तो ये क्लियर होगी। तो ये जो तीन पॉइंट थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। तो पीओपी में आपकी जो इफ़ेक्ट है, लाइट की जो इम्पोर्टेंट होती है पीओपी के लिए, तो वो आपको मिल जाएगी। और आपकी पीओपी जितनी अच्छी बनी है उससे अच्छी उसमें लाइटिंग लगेगी तो और भी अच्छी लगेगी। तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहेगा, काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन रहेगी, काफ़ी अच्छा ब्राइट एरिया आपका रहेगा, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट थी वैसा लगेगा। तो ज़रूर इसे ये चीज़ों का ध्यान रखिए तो आपको कोई भी चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। पीओपी को वापस आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा, तोड़नी नहीं पड़ेगी, साइज़ छोटी बड़ी करनी नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से कर रहे हो तो। तो यही थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के जो दो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर दिखे। और ये वीडियो में कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं सारे रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए। तो खुश रहे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।